अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार फाइनेंसिंग की। अगर आप भी अपनी गाड़ी के मालिक बनना चाहते हैं तो आप आसान अकसात में गाड़ी बुक करवा सकते हैं। अलबरका बैंक की जानिब से ये ऑफर दी जा रही है। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि गवर्नमेंट की जो रिसेंट पॉलिसीज हैं उसके मुताबिक गाड़ियों की जो कीमतें हैं वो काफ़ी कम हुई हैं। नए मॉडल्स की जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर तकरीबन 50,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक की कमी हुई है। तो ये शायद एक अच्छा मौका है अपनी गाड़ी के मालिक बनने का। अलबरका बैंक की कारसाज के नाम से एक स्कीम है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और आसान अकसात में अपनी गाड़ी के मालिक बन सकते हैं। तो दोस्तों, बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानेंगे, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे और सबसे बड़ी बात यह कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी किस्त कितनी बनेगी, वो आप खुद भी मालूम कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप अपने बजट को देखते हुए अपनी कार को बुक करवा सकते हैं। तो वीडियो को आगे देखने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप पहली दफा आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहें। सबसे अच्छी चीज इस स्कीम की ये है कि ये शरिया कंप्लाइंट है, यानी आपको इस पर कोई सूद नहीं देना। आपको गाड़ी की कीमत पहले बता दी जाएगी और जो भी महाना अकसात हैं वो आप देंगे और जो इस्लामी तरीका है डिमिनिशिंग मुशारका उसके मुताबिक आपकी ट्रांजेक्शन्स होंगी। क्विक प्रोसेसिंग होगी, अफोर्डेबल इंस्टॉलमेंट्स हैं, कोई अप फ्रंट इंस्टॉलमेंट्स नहीं है डिलीवरी से पहले और ना ही कोई आपसे फंडिंग प्रॉफिट चार्ज किया जाएगा। जो आपने डाउन पेमेंट देंगे, एडवांस बुकिंग का जो पीरियड होगा आपका, उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। आपको फैसिलिटी दी जाएगी कि आप 12 महीने से लेकर 84 महीने तक का पैकेज ले सकते हैं और मिनिमम प्रोसेसिंग इसकी फीस है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस। आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं और जहां पर आप करंट जॉब कर रहे हैं वहां पर कम से कम 6 महीने आपको हो चुके हों उस इदारे में, और आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 30,000 रुपए तक होनी चाहिए और एज की भी लिमिट बताई गई है कि 22 साल से लेकर 62 साल तक की उम्र के अफराद जो है वो ले सकते हैं इस स्कीम को। सेल्फ एम्प्लॉयज के लिए भी क्राइटेरिया बताया गया है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो 3 साल का आपका बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी जो मंथली इनकम है वो कम से कम 50,000 रुपए तक होनी चाहिए और आप जो बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आपकी आमदनी का जरिया है, वो भी शरिया कंप्लाइंट होना चाहिए। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 24 साल से लेके 65 साल तक के लिए है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये भी कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। सैलरीड पर्सन के लिए 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर चाहिए, आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट चाहिए और 3 महीने की आपकी सैलरी स्लिप्स चाहिए जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए आपके HR डिपार्टमेंट से, और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हैं तो आपको फॉर्म 29 जो है वो भी शो करना होगा। फॉर्म 29 क्या है ये बता दूं आपको, ये SECP से अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो वहाँ पे आप जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आप डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन देते हैं SECP को, जिसमें कंपनी की और डायरेक्टर की तमाम डिटेल्स होती हैं, तो ये फॉर्म आपने देना होगा। इसके अलावा अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ये भी इतना ज़रूरी नहीं होता अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, क्योंकि ऑलरेडी जब आप अपनी पे स्लिप दे रहे हैं जाहिर है कि नॉर्मली बैंक अकाउंट में ही आती है तो वो काफ़ी होती है, लेकिन कुछ सूरतों में आप अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बस ये सिंपल सी रिक्वायरमेंट थी इसकी और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं अपनी इकसाद को। ये ऑप्शन इन्होंने अपनी वेबसाइट पर दिया हुआ है तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सैलरीड पर्सन हैं, सैलरीड को आप सेलेक्ट कर लें और अब आप एक एस्टिमेटेड प्राइस यहाँ पे सेट कर लें। फॉर एग्जाम्पल आप जो गाड़ी लेना चाह रहे हैं उसकी कीमत 8 लाख रुपए है, कोई छोटी गाड़ी है, 8 लाख रुपए हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। और उसके बाद जो डाउन पेमेंट है वो 15% अगर आप दे रहे हैं, अच्छा ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कम से कम 15% जो है वो डाउन पेमेंट है। आप चाहें तो ये बढ़ा भी सकते हैं, 20% 25% कुछ भी कर सकते हैं, चले हम 15% ही रखते हैं इसको। अच्छा, और फिर इसके बाद हम यहाँ पर इसका जो टेन्योर सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये गाड़ी लेना चाह रहे हैं, इसकी जो साथ आप देना चाहते हैं वो 5 साल तक के लिए आप अपना पीरियड रखना चाह रहे हैं तो हम ये 5 साल सेलेक्ट कर लेते हैं।
और ये कैलकुलेट हम करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर रिजल्ट आ गया 15,102 रुपए जो है वो आपकी किस्त बनेगी। टर्म्स एंड कंडीशन इसमें अप्लाई हैं। अब इन्होंने यहाँ पे इसका कॉस्ट भी इसकी मेंशन कर दी है। प्राइस ऑफ व्हीकल जो है वो 8 लाख है, फाइनेंस अमाउंट जो है वो 6,80,000 है और डाउन पेमेंट जो है वो 1,20,000 है। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं और मजीद मालूमात के लिए आप अपनी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे के रब्ता कर सकते हैं बैंक से। अपना ई मेल आई डी, नेम, आई डी कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर आप मैंशन करें, अपना सिटी मैंशन करें और आप ऑनलाइन जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। बैंक का नुमाइंदा आपसे रब्ता करेगा और डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपकी गाड़ी जो है वो बुक कर दी जाएगी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अलबरका बैंक की, अलबरका कारसाज स्कीम। मजीद मालूमात के लिए आप रब्ता भी कर सकते हैं। इनका यूएन नंबर मौजूद है 02111113442। ईमेल आईडी भी है, फैक्स नंबर भी है, इस पर भी आप रब्ता करके मजीद मालूमात ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर आपका भी गाड़ी लेने का कोई प्रोग्राम है तो आप अलबरका बैंक की ये कारसाज स्कीम जरूर कंसीडर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।